इंसान के लिए सबसे विश्वसनीय और वफादार जानवर माना जाता है। और कुत्ते में कौन सी प्रजाति को सबसे बेहतर पालने के लिए माना जा सकता है? देखिए संदीप जी, आपने बोला कुत्ते को वफादार माना जाता है। वाकई वफादार इसलिए माना जाता है कि आपको पता होगा, इतिहास अगर उठाते हैं पाषाण काल से, जब पत्थर का युग था उस समय भी हमारा जो कैंपेनियन एनिमल था वो कुत्ता ही था। अगर पत्थर से मांग चलाते थे तो बगल में कुत्ता आगे बढ़ता था। तो आदिकाल से ही कुत्ते को महत्व दिया गया है, क्योंकि ये मतलब रक्षक है, भक्षक नहीं होते। सबसे बड़ी चीज है कि रक्षक होते हैं। और जहां तक बात हुआ वफादारी का, तो जी वफादारी तो उसमें कूट कूट के भरे होते हैं डॉग में। आज के दिन में जो डॉग का पॉपुलेशन बढ़ रहा है हमारे बिहार में, पटना में, खासकर जहां भी मेट्रो सिटी है वहां पे जी आजकल ये शौक भी है, स्टेटस सिंबल भी है, और कई जगह इसको मतलब क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन के लिए, गार्ड पर्पस के लिए भी रखते हैं। जैसा जगह है, जैसा स्पेस है, उसके अकॉर्डिंग वो लोग डॉग को रखते हैं। कि सर, इतने सारे डॉग की प्रजातियां हैं तो भारत में बेसिकली कौन कौन सी प्रमुख प्रजातियां हैं जिसपे आदमी विश्वास करे और उनको पाल सके घर में? देखिए, मैं जब छोटा था, मेरे फादर भी वेटनेरियन हैं, तो उस समय मैं तो इस लाइन में था नहीं, लेकिन आपको याद होगा व्हाइट वाला डॉग को जो कहते हैं पॉमेरियन, पॉमरेनियन। वो जी जी पॉमेरियन नहीं होता है, वो जर्मन स्पिट्स होता है। ओके कई ओके तरह के स्पिट्स होते हैं, वो सेमोइड स्पिट्स ब्रीड के होते हैं, वो पॉमेरियन नहीं होते। जो रियल पॉमेरियन होते हैं वो 1.5 से 2 kg के होते हैं, छोटे से होते छोटे हैं। होते तो हैं। ये कल्चर आपको याद होगा, शुरू से ही ये सब घर में कॉमन मिलेगा। इसको लोग अलार्मिंग डॉग भी कहते हैं, मतलब जैसे ही गेट का दरवाजा खटखटाएगा तो वो चौं 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 भौं भौं करना शुरू कर देगा। जी तो सबसे वो या तो बहुत अच्छा होता है और बहुत कॉमन होता है। उसी तरह लैब्राडोर, ये बहुत कॉमन होता है, सबके घर में फैमिली डॉग कहा जाता है, बहुत अच्छे स्निफर डॉग में भी आता है। ये एलसीशिया उस समय हुआ करता था, जिसको आजकल लोग जर्मन से फट डबल कोट सेमी कोट और इस टाइप का नाम से जानते हैं। तो स्टार्टिंग में हमारे यहाँ डॉबरमैन बहुत कॉमन था, लैब्राडोर बहुत कॉमन था, और ये जो स्पिट्स की बात की, जर्मन स्पिट्स, ये बहुत कॉमन थे। लेकिन जैसे समय बीता, जैसे से लोग आगे पीछे देश भ्रमण किए, यूरोपियन कंट्री में आपको पता होगा बहुत बड़ा कल्चर है कि आप वहां पे, आपसे ज्यादा पे, जो भी आदमी पेट्स को रखता है उसके लिए अधिक पे करता है, टैक्स पे करता है। पता है एनिमल्स का जो टैक्स पे है वो ह्यूमन से अधिक है। और वो यूरोपियन कंट्री में ऐसा नहीं कि आप घर में जा रहे हो तो उसको घर में बंद करके जा सकते हो, ऐसा कल्चर वहां नहीं है। नॉर्म्स वहां हाँ, वहां के। के कई नॉर्म्स हैं वो, अगर आप जा रहे हो डाक खाने में भी जा रहे हो, पोस्ट ऑफिस में भी जा रहे हो, एयरपोर्ट पे भी जा रहे हो, रेस्टोरेंट में भी जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, तो यूरोप में ऐसा नहीं कल्चर है कि आप पेट्स को अपने साथ नहीं ले जा सकते हो। यूरोपियन जो कल्चर है वो टोटली डिफरेंट है हमारे यहाँ से। जैसे आपने कहा, सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत लोग कुत्ता पालते हैं, तो कौन सी ब्रीड सुरक्षा की दृष्टि से पालना बेहतर होता है? देखिए, आजकल आप देखते होंगे, आप अगर होटल में जाते हो या रेलवे स्टेशन पे जाते हो, एयरपोर्ट पे जाते हो, जितने आप भी आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, सीआरपी हो गया, बीएसएफ हो गया, सीमा सुरक्षा हो गया, इनके यहाँ गार्ड डॉग के रूप में या तो लैब्राडोर रखते हैं, या तो आपको गोल्डन रिट्रीवर भी कॉमन है, डॉबरमैन भी है, और जर्मन शेपर्ड, ये सब स्निफर डॉग है। ये सब मतलब सूंघने के लिए, इनमें जो सूंघने की शक्ति होती है, कहीं बम है तो वो खोज लेंगे, कोई भी अगर बंदा लगता है कि वो सस्पेक्टेड है उसको सूंघ के वो जज कर लेंगे। तो ये सब स्निफर डॉग हैं, और ये गार्ड पर्पस के लिए और सुरक्षा के मामले में इसका बहुत क्रेज है, ये चारों ब्रीड जो मैंने बताया आपको। आपने जैसे ब्रीड की बात की सर, एक बहुत चर्चा में अभी कुछ समय से मीडिया में भी बना हुआ था, पिटबुल एक प्रजाति कोई है? पिटबुल, जी हाँ, पिटबुल का एक्चुअली बहुत मतलब बहुत बड़ा होता नहीं है, लेकिन पिटबुल छोटे हाइट का होता क्या है। वो खतरनाक होता है सर? खतरनाक कोई एनिमल खतरनाक नहीं होता जी है, जी जी आदमी हो, आदमी को अगर आप देखिए, आप अपने घर में ही देखिए ना, 5 भाई बहन हैं, पांचों का परवरिश आप कैसे करते हो उस पर डिपेंड करता है। हो सकता है 3 पे आप बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हो, 2 पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो वो उसका थोड़ा सा टेम्परामेंट अलग हो जाएगा, वो लोगों से बात करने का तरीका अलग हो जाएगा। तो आपके गार्जियन ने आपको कैसे पाला है सबसे बड़ी चीज है वो। उसी तरह एनिमल्स के लिए भी है कि आप अपने पेट्स को कितना समय दे रहे हो, कैसे उसका रख रखाव कर रहे हो, गेट पे उसको बांध दिए हो, उसको बस दो कई बार सुबह शाम खाना दे रहे हो, या उसको मतलब किसी आदमी से मिलने नहीं दे रहे हो, तो आप पेट्स को कैसे कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हो। मेरे यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो बच्चे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो आप रख रखाव पे कोई भी परवरिश, अगर जिस कहते हैं ना कि होनहार विद्वान के हो चिकने पार, मतलब जो बच्चा है अगर उसको आप सही डायरेक्शन में नहीं दिखाओगे तो सही डायरेक्शन में नहीं जाएगा, उल्टा ही जाएगा। तो आपको उसको डायरेक्शन दिखाना होगा, उसका रख रखाव, उसका खान पान, उसको सोशलाइज करना, वो कैसे कर रहे हो,
और बड़ी चीज है कि पिटबुल हो या अमेरिकन बुल्ली हो या रॉटविलर हो, हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं कि इसमें लॉकिंग जॉ होता है। इस डॉग में क्या होता है कि अगर किसी चीज को पकड़ लेता है तो लॉक कर लेता है, और लॉक करने के बाद वो इनका एनाटॉमी है सर, तो उसको आप कितना भी आप मारते रहो वो खोलेंगे नहीं। उसका एक ट्रिक होता है साइड से करने पे वो लॉक तोड़ते हैं। तो ये सब देखिए कोई भी चीजें हैं, आप मेरे यहाँ ऐसे कई क्लाइंट आते हैं जो फॉरेन जाते हैं, कहते हैं सर वहां तो एक वॉकर इसमें रॉटविलर भी लिए हुए, इसमें पिटबुल भी लिए हुए, इसमें सेंट बर्नार्ड भी लिए, पांचों डॉग, और वहां बार्किंग नहीं सुने, मतलब वहां के डॉग भौंकते नहीं है। अब वही डॉग आप यहाँ देखिए सेंट बर्नार्ड हो या स्पिट्स हो, तो कल्चर पर डिपेंड करता है कैसे उसका कैसा माहौल है, कई चीजें हैं। तो ये कोई भी डॉग खराब नहीं होता है, और किसी को ऐसे आप ब्लेम नहीं कर दो। हाँ, सब एक तरह के नहीं होते हैं, सबका टेम्परामेंट अलग होता है। कोई भी डॉग मतलब क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़े तो उसका एग्रेसिवनेस बढ़ जाता है, तो वो तो आपका स्क्रीनिंग आपके वेट करेंगे कि क्या उसमें गड़बड़ी हो रहा है, कैसे उसका टेम्परामेंट सही करेंगे, कैसे आप उसको कहाँ घुमाने जाइएगा, कब उसको निकालिएगा, कई चीजें हैं, कब उसका वैक्सीनेशन होना चाहिए, कब डिवर्मिंग होना चाहिए, कब वेट के पास आपको जाना चाहिए, कई चीजें हैं। तो कोई डॉग देखिए खराब नहीं होता है। आप देखिएगा जनरली व्हाइट वाला डॉग होता है सबसे खराब घर में, छोटा वाला, लेकिन सबसे बुरा काटता है उसका टेम्परामेंट। क्योंकि मैं भी एज ए वेट हूँ, मुझे याद है जब मैं नौकरी छोड़ के आया था प्रैक्टिस करने, तो एक स्पिट्स को मैं वैक्सीन लगा रहा था, वो खुलने के बाद जब तक उसने मेरे ऊपर पैर में नहीं चार पांच जगह काटा तब तक उसने छोड़ा नहीं। तब वो स्पिट्स वो व्हाइट वाले डॉग को आप कहिए घर के फैमिली डॉग है तो आप उसको कहिएगा बैन लगा दीजिए, जी नहीं, उनका टेम्परामेंट होता है उसका, कब उसका। आप किसी वेट के यहाँ जाइएगा तो देखिए बचपन से डॉग जो जा रहा है तो बिना को आप मजल लगाए हुए इंजेक्शन लगा दीजिएगा। कोई डॉग मतलब ऐसा होता है कि मजल पहना ही पसंद नहीं करता है, वो एग्रेशन बढ़ जाता है, तो आपके वेट को समझना चाहिए, वो समझते हैं कि कब उसको मजल लगाना चाहिए या विदाउट मजल ही लगाए। कोई नया अननोन किसी दूसरे के यहाँ वेट के यहाँ जा रहा है, बड़ा डॉग है, एडल्ट है, तो हम तो मेरे यहाँ कोई भी अगर फर्स्ट टाइम आते हैं एडल्ट डॉग लेके, तो मैं तब तक उसका बिहेवियर रीड करता हूँ, उसके साइकोलॉजी को रीड करता हूँ, देन आफ्टर उस हाथ लगाता हूँ। जरूरी नहीं कि सब डॉग एक ही जैसा हो, और डॉग का पर्पस ही होता है बार्किंग, एग्रेशन, काटना, केनाइन टूथ। तो गार्ड डॉग अलग होते हैं, यूटिलिटी डॉग अलग होते हैं, टॉय डॉग अलग होते हैं। तो ये आपको सोचना चाहिए कि आप अपार्टमेंट में रह रहे हो, कि एक रूम के कमरे में रह रहे हो, एक विला में रह रहे हो, एक फार्म हाउस में रह रहे हो, इसका स्क्रीनिंग जरूर होना चाहिए कि डॉग जो आप रख रहे हो किस पर्पस से रखना है, किस कारण से रखना है, उसका आपको स्पेस कितना है, ये सब चीजें होना चाहिए। मतलब जैसे आप शादी ब्याह के लिए पंडित जी से पत्रा लिखाते हो, उसी तरह पेट्स को अडॉप्ट करने से पहले आप अपने वेट से मिलो, स्क्रीनिंग करो कि कैसा आपको पेट्स चाहिए, मतलब कि मतलब आपके घर के हिसाब से आपको कैसा चाहिए, इसके लिए आपको जरूर अपने वेट से मिलना चाहिए। जैसे आपने बताया रख रखाव के लिए, मैं इसी क्वेश्चन पे आ रहा था कि जो भी हम लोग जानवर रखते हैं उसका ख्याल कैसे रखें हम। देखिए ख्याल आपको मैंने क्या बोला कि आप कोई भी ऐसे कई से मेरे क्लाइंट हैं जो बाई बोलते हैं बाई बर्थ मेरे यहाँ डॉग रह रहा है, तो उनको समझाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई नया किसी कॉलोनी में डॉग आया, उसको देखे उनके बच्चे कहे कि हम भी डॉग रखना चाहते हैं, तो उनको पहले मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप जाके किसी वेट से मिलो कि उसके क्या खान पान होता है, कब वैक्सीनेशन होना चाहिए, पूरा एक गाइडलाइन बनाइए। ऐसा नहीं कि डॉग लिया है क्या उसको भूल जाइए। टीकाकरण का क्या, वैक्सीनेशन का क्या शेड्यूल होता है? देखिए वैक्सीनेशन का शेड्यूल कोई भी पप्पी अगर आता है तो मैं तो यही कहता हूँ कि अगर अच्छे ब्रीडर से आप ले रहे हो या किसी घर से ले रहे हो तो आपको इसकी जानकारी अधिक होनी चाहिए कि आपके जिनसे बच्चे मतलब हुए हैं, वेलपिंग हुए हैं, उसके पेरेंट्स को वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं। अगर दोनों पेरेंट्स को वैक्सीनेशन हुआ है तो उनके बच्चों में वो है कि 30 डेज पे हम लोग पकवी डीपी लगाते हैं, 42 डेज पे हम लोग उसको 9 मंथ लगाते हैं, उसके बाद 2 मंथ में कोरोना का साथ में लगाते हैं, उसके बाद सर ये शेड्यूल है ये वैक्सीनेशन का, हम लोग 4 मंथ में पूरा वैक्सीनेशन, एंटी रेबीज हम लोग 3 मंथ पे लगाते हैं। अगर इसके पेरेंट्स को वैक्सीनेशन हो रखा है तो, अगर नहीं हो रखा है स्ट्रीट डॉग को अडॉप्ट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि 3 महीना होगा तभी हम एंटी रेबीज लगवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी माँ के को तो लगा नहीं है, आपको पता है नहीं, ये सब चीज थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और जब कोई भी आउटब्रेक होता है, जैसे पार्वो एक बहुत गंदा बीमारी है, वायरल इन्फेक्शन है जो डॉग टू डॉग स्प्रेड होता है, और जिस डॉग को वैक्सीनेशन नहीं हो रखा है 100% चांसेस है कि आपके पास 5 डॉग है, एक को अगर पार्वो हुआ तो मान के चलिए 5ों को वो होगा, और बहुत फैटल डिजीज होता है, इसमें बचना बहुत मुश्किल होता है, प्रॉपर उसको रिहाइड्रेट करना पड़ेगा, वाटरी लॉस होता है, ब्लडी डायरिया होता है, वोमिटिंग होता है, कई चीजें वो आपके वेट ही बताएंगे। अगर ऐसे आउटब्रेक में आप प्लान कर रहे हैं डॉग लेने का तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप देख लीजिए क्योंकि वहां पे कैसा एनवायरनमेंट है, पर चला आप डॉग लेके आए 4-5 दिन हुआ वो पारो का शिकार हो गया, तो ये सब मैं कहा किसी वेट से मिलके ही आप
अच्छा दिन दिखाएं, शुभ दिन दिखाएं, कौन सा पेट रखना है, दो रूम के फ्लैट के लिए चाहिए, अपार्टमेंट के लिए चाहिए, बंगलो के लिए चाहिए, फार्म हाउस के लिए चाहिए, क्या पर्पस है, किस पर्पस से लेना है, बच्चों को खेलने के लिए चाहिए, टॉय पर्पस के लिए, या गार्ड डॉग चाहिए, किटी डॉग, ये आपके वेट बताएंगे और अकॉर्डिंग टू उनके, अकॉर्डिंग टू आप या तो अमेरिकन पिटबुल लेना है या सेंट बर्नार्ड लेना है या साइबेरियन हस्की लेना है। तो एक क्लाइमेट की बात है, ऐसा नहीं है कि जैसा पॉकेट होता है जैसे आप उसको मतलब पालना चाहेंगे वैसा आपको माहौल उसको देना पड़ेगा, उसे तो मतलब पता चला एक्सट्रीम गर्मी है वहां आप हस्की पाल रहे हैं तो आपको प्रॉपर उनके लिए एसी का व्यवस्था करना हो, कई चीजें हैं तो हमारे ऑनर सब सक्षम है तभी वो सब लेते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि आप अपने वेट से मिल के यही कहें कि हमको किस पर्पज के लिए डॉग चाहिए, मतलब कैसे, मतलब आपका बजट है उस पर, खान पान पे कितना खर्च करेंगे, वैक्सीनेशन पे भी खर्च होना है, ऐसा नहीं कि लाके गेट पे बांध दिए दो टाइम चावल दूध दे दिए उसको ऐसे उसका जीवन, उसके लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए, प्रॉपर विटामिन देना है, कैल्शियम देना है, डिवर्मिंग के डोजेज होते हैं, उनका केसीआई रजिस्ट्रेशन होता है, अगर आपको कहीं पे कोई कंपटीशन में भेजना है तो उनका केनल क्लब ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन होता है, कई पर्पस हैं समझे, कहीं बाहर फॉरेन जाना है तो आपको उसके माइक्रोचिपिंग करवाना होगा, वो सब प्लानिंग है वो सब, और उसका एक इम्यूनाइजेशन सर्टिफिकेट बनता है आपको नगर निगम से, उसका रजिस्ट्रेशन भी बहुत जगह आजकल कंपलसरी कर दिया है, खासकर आप जिसकी बात कर रहे हैं लखनऊ में जो एक हादसा हुआ, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि हो सकता है, एक लिफ्ट वाला भी आपने देखा होगा एक बच्चे को काट रहा है, चीजें हैं कि आप अपने डॉग को कैसे आपने कहा है, आपका कमांड कितना मानता है, पता चला कि आपका कमांड ही नहीं मान रहा है तो फिर वैसे डॉग को आप क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं, उस पर आप समय नहीं दे पा रहे हैं, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और बदनाम करेंगे पूरे प्रजाति को, आप बदनाम करेंगे पिटबुल पालना, मैंने मेरे पास ऐसे पिटबुल आते हैं जाके क्लिनिक में, सब जाके मेरे से करते हैं, मिलते हैं, अपना मतलब फीलिंग शेयर करते हैं, और एक ऐसा भी पेट आता है जो गाड़ी से उतरता नहीं है, एक ऐसा पेट है जो मेरा वैक्सीनेशन रिकॉर्ड उठाने में मेरे गाड़ी में बैठ के मेरे क्लिनिक पे आ जाता है, एक ऐसा कि बेड के नीचे, तो वो बिहेवियर किसी का आप नहीं पढ़ सकते हैं, उसको आपको उसके हिसाब से आपको ट्रेन करना होगा, ट्रेनिंग दिलवाइए, और कोई डॉग खराब नहीं होता है, उसका लालन पालन, उसका रख रखाव ये आपको ही देखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेडिकल माइक से जुड़ने के लिए। धन्यवाद।